हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी थोड़ी देर पहले। ओके व्यूअर्स, तो थोड़ी देर पहले की ही करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसे विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव बने रहें उस इंसान के लिए। ओके, और हमने यहाँ देखिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और बॉटम में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है सेवन ऑफ वांड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं किंग ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स, टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ कप्स। और यहाँ पर जो साइन है वो है फायर साइन मेष सिंह धनु, एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एंड स्पेशल जो साइन है यहाँ पर वो है मेष सेजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है एक नंबर, चार नंबर, पांच नंबर एंड सात नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये आपके लिए लकी भी हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना एक बात तो क्लियर है, जिस पर्सन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो पर्सन अपने किसी क्लोज फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप दोनों के बीच, आप दोनों को एक नहीं होने दिया जा रहा। यानी कि ये पर्सन बातें कर रहा है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के बीच ये गैप पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दूरियाँ लाने की कोशिश कर रहा है, या तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे ये अपना मान बैठे हैं और वो पर्सन ऐसा कर रहा है, या फिर आपकी तरफ से भी कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना काफी कंफ्यूज्ड हो गया है आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर। ये पर्सन चाहता तो है बैलेंस करना, बट यहाँ पर ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फोर ऑफ कप्स भी है, फाइव ऑफ कप्स भी है हमारे पास एंड जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड बॉटम में आ गया है ना, तो ये सेवन ऑफ वांड्स भी है हमारे पास। तो आप दोनों ही ना इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दुनिया से छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आपका एक हो पाना ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपको भी पता है कि आप दोनों का एक हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हों या फिर आप मैरिड हों या फिर आप दोनों ही मैरिड हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग है या फिर कुछ स्टेटस का फ़र्क है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों ही काफ़ी परेशान हैं और आप दोनों ही ना एक दूसरे को पाना तो चाहते हैं, बट यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच जो आ रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर ही आ रही हैं, काफ़ी दूरियाँ सी बन गई हैं आप दोनों के दरमियान। आपका पर्सन ये सोचकर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है कि आपको ये पाना तो चाहते हैं बट पा नहीं सकते। आप भी ये सोचकर बहुत दुखी हैं कि आप इसको पाना चाहते हैं, आप पा नहीं सकते, आप दोनों एक नहीं हो सकते। आप दोनों के बीच जो ये प्रॉब्लम्स हैं ना, आप दोनों को भी पता है कि इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आप भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना। तो यहाँ पर ना आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद तो करते हैं, एक दूसरे को पाना भी चाहते हैं, बट हाँ इन प्रॉब्लम्स के चलते पा नहीं सकते। ये आप दोनों काफ़ी सोच सोच कर नेगेटिव हो रहे हैं कि आपकी और इनकी जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये क्यों नहीं दूर हो जाती प्रॉब्लम्स और क्यों नहीं आप एक हो सकते। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और गॉड से प्रेयर्स कर रहे हैं एक दूसरे को पाने के लिए। तो जब नया साल स्टार्ट हुआ है ना, तो अब तभी से एक उम्मीद सी किरण आपको नज़र आ रही है कि नए साल में हो सकता है आप दोनों की ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल आए, कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल जाए ताकि आप दोनों एक हो सकें। तो आज आपके पर्सन ना थोड़ी देर पहले भी किसी अपने क्लोज फ्रेंड से इसके बारे में बातें कर रहे थे
कि कोई सोल्यूशन बताओ इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का। आप दोनों को एक होना है, आप दोनों एक दूसरे के होना चाहते हैं। भले ही आप दोनों बहुत पहले ना मिले हों, अब भी अगर मिले हैं तो कुछ तो किया जा सकता है एक होने के लिए। तो ये सोल्यूशन चाहते हैं, आप दोनों के बीच की इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बातें भी कर रहे थे, उनसे चाहते हैं कुछ गाइडेंस। और उस पर्सन ने, मुझे लगता है, आप दोनों को एक होने के लिए थोड़ा वक्त देने के लिए कहा है, या फिर ऐसा हो सकता है ये पर्सन कह रहा है कि उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल दें, अपने दिल से निकाल दें। तो आपके पर्सन को, मुझे लगता है, यही एडवाइस मिल रही है कि वो आपको अपने दिल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं ना आप दोनों के दरमियान वो काफ़ी बड़ी हैं, और आप दोनों का एक हो पाना इस पर्सन को भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से आपका पर्सन काफ़ी नेगेटिव है और डिप्रेशन में आ गया है ये सोचकर ही कि आप दोनों एक नहीं हो सकते। और इस वजह से ये पर्सन ना दूरियां बना रहा है आपसे दूर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट इसके इमोशंस पर इसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये काफ़ी नेगेटिव है पर्सन। ओके व्यूअर्स, ये एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, बट ये कर नहीं सकता, जिस वजह से ये पर्सन ना काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में आ गया है, और ये सोचकर बहुत दुखी है कि आप दोनों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।